So what is dialysis and how does the machine work? These two questions are asked by a lot of patients. Today, we have a dialysis technician explaining how the machine works and what does it do. He's also going to answer a few questions commonly asked by patients who are just starting dialysis. Make sure you turn the subtitles on as the rest of the video is in Hindi. So aap apne baare mein bataiye, aapka naam aur aap kya karte hain? हाँ सर, मेरा नाम आकाश माथुर है सर। मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ और सर मैं डिप्लोमा किया है डायलिसिस टेक्नीशियन में और सर पिछले 5 साल से मैं इस लाइन में सर हूँ एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन। ठीक है, तो डायलिसिस ऑब्वियसली एक काफी नई चीज है पेशेंट के लिए। जब कोई शुरू करता है उनको कुछ इतना पता नहीं है कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या देखना चाहिए। तो जब आपके पास कोई पेशेंट आता है पहली बार डायलिसिस कराने के लिए तो आपसे क्या सवाल पूछते हैं? सर पेशेंट ज्यादातर एक्चुअली यही पूछते हैं कि जब हमें डायलिसिस जब हम करवाते हैं तो मतलब कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ड्राइवर क्या अचीव करे अपना और कितना यानी कि प्रोटीन लें, मतलब कि क्या खाएं और क्या इकट्ठा खाएं। और मतलब पेशेंट से ज्यादातर एक्चुअली ड्राइवर के बारे में सोचता है कि उसकी सांस ना फूले और उसको भी दिक्कत ना आए आने वाले टाइम में, ज्यादातर पेशेंट को दिक्कत होती है। और तो कुछ पेशेंट से ये भी पूछते हैं कि डायलिसिस से किडनी मतलब कि क्या होती है, इसके कारण क्या क्या है, ये सब पूछते हैं सर पेशेंट ज्यादातर मेरे से। तो आपको लगता है कि कई पेशेंट को इतना पता नहीं है डायलिसिस के बारे में जब वो पहली बार आते हैं? नहीं सर, ज्यादातर पेशेंट को तो एक्चुअली डायलिसिस के बारे में पता नहीं होता है। पेशेंट एक्चुअली सोचते हैं कि डायलिसिस केवल एक या दो बार ही की जाएगी, उसके पेशेंट को ठीक हो जाएंगे, बट तो उनको ये नहीं पता CKD5 की स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें सर डायलिसिस की नीचे पेशेंट को वीकली थ्राइस करनी पड़ती है। सर धीमे धीमे हम सर पेशेंट को सबसे गाइड करते हैं, सर आप वीकली थ्राइस अपना डायलिसिस टाइम टू टाइम अपना डायलिसिस करवाइए और जिस तरीके से आपको आने वाले टाइम में सर कोई भी कॉम्प्लिकेशन फेस ना करना पड़े आप लोगों को पेशेंटों को। हाँ जी, आपने इतने सारे टर्म्स बताए डायलिसिस में और पेशेंट को भी जब वो पहली बार आता है सब कुछ नया नया लगता है, तो ड्राई वेट क्या होता है आप बताइए अगर कोई पेशेंट जानना चाहे। सर सिंपल भाषा में पेशेंट को खाली में ये बोलूंगा कि ड्राई वेट का मतलब ये होता है कि डायलिसिस के बाद का तो वजन से पेशेंट जब तौलते हैं ना अपने मशीन के ऊपर वेट मशीन के ऊपर तो वो ड्राई वेट होता है। जब मशीन के थ्रू जब हम एक्स्ट्रा पानी बार पूरा निकाल देते हैं डायलिसिस के थ्रू, जो भी पेशेंट वेट अपना गेन से करके आता है ना सर, जो खाना खाता है पानी पर जो उसको बॉडी का वेट जो बढ़ता है, जो एक्स्ट्रा फ्रूट जो हम निकालते हैं ड्रू डायलिसिस उसको सर ड्राई वेट बोलते हैं जब डायलिसिस के बाद जो वेट आता है। तो बेसिकली ड्राई वेट है जो आप अचीव करना चाहते हैं सारे पानी के बाद, सारा पानी निकालने के बाद। हाँ जी सर, जितना पेशेंट का बॉडी वेट मतलब गेन हुआ है लास्ट जितना वेट गेन हुआ तो उसको सर ड्राई वेट बोलते हैं। वो जब ड्रू डायलिसिस जब हम उसको निकाल देते हैं 4 घंटे के अंदर उसके बाद जो पेशेंट का वेट आता है उसको ड्राई वेट उसको बोलते हैं। आपको क्यों लगता है कि ड्राई वेट बहुत जरूरी है? सर ड्राई वेट पेशेंट अगर सर अपने अपने सर नहीं रहेगा तो उसको सर ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सांस पेशेंट ले नहीं पाएगा और उसके साथ पैरों में स्वेलिंग रहेगी, हाथ में स्वेलिंग रहेगी और चेहरे पर स्वेलिंग रहेगी, मतलब पानी पर भरा उसके बॉडी में रहेगा। उसी से हमारा जो मेन फोकस है पेशेंट के साथ ड्राई वेट अचीव करना है और उसके साथ ब्लड की क्लियरेंस भी उसके लिए बहुत जरूरी है। पेशेंट के लिए दो चीजें मेन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, टाइम पे डायलिसिस कराना भी बहुत जरूरी है, आपको क्या लगता है इसके बारे में? सर टाइम पे पेशेंट अगर कोई डायलिसिस मिस कर देता है जैसे स्लॉट आज का होता है उसको तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, जो उसको जो टाइम था डायलिसिस का उसने मिस कर दिया तो उसका पानी जो है ना उसका यूएफ जो होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन वो तो बढ़ जाएगा फिर उड़ जाता है पेशेंट को। तो बहुत जरूरी है कि जिस टाइम पे करानी चाहिए डायलिसिस करानी चाहिए। तो अगर कोई डायलिसिस मिस करता है कभी तो क्या हो सकता है उससे, या उससे कुछ फर्क पड़ता है? सर अगर मिस कर जाता है तो उसका जो बॉडी वेट है सर बढ़ जाएगा, मतलब उसको सर ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी और वोमिटिंग भी और फीवर आता है, कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के सामने आते हैं। ठीक है, तो जब कोई डायलिसिस शुरू करता है उनको काफी डर लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है या उनका ब्लड शुगर कम हो सकता है, आप जब किसी नए पेशेंट को शुरू करते हैं डायलिसिस में तो कैसे समझाते हैं कि फ्लो क्या होता है और ब्लड प्रेशर के लिए क्या करना चाहिए? सर अगर न्यू पेशेंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले तो उनको ये बोलते हैं कि जैसे कि आप बीच बीच में कुछ नमक या मीठा कुछ खाते रहिए जिससे कि उनका बीपी जो है पेशेंट का यानी फॉल ना चले और जो हमारा जो ड्राइव वेट है वो अचीव भी हो रहा है। जैसे पेशेंट को हम प्यार से समझाते हैं कि आपका ब्लड फ्लो जो है यानी कि स्पीड में थोड़ी जो ब्लड फ्लो है स्टार्टिंग में हम कम करते हैं लेस देन 200 करते हैं स्टार्टिंग में, जिससे कि पेशेंट को जो है पेशेंट को जो थोड़ा अभी पड़ जाए उनको तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आगे फेस ना करना पड़े। तो कई लोग डायलिसिस लाइन से कराते हैं और कई लोग फिस्टुला से, तो आप बताइए कि फ्लो में क्या फर्क है लाइन और फिस्टुला में? सर फिस्टुला में सर प्रेशर ना बहुत तेज होता है, आर्टरी प्रेशर होता है उसका, तो फिस्टुला ब्लड फ्लो यानी कि हम 350 या 450 रस्ते इजिली ब्लड फ्लो अच्छा देता है फिस्टुला, और लाइन जो होती है ना एक्सेस लाइन जो होती है उसमें से ब्लड फ्लो थोड़ा वो सर हमको कम देगी
और तो वो कम चलेगी, डेढ़ दो महीने से चलती है वो टेम्परेचर से। तो फिस्टुला से ज्यादा जल्दी ब्लड निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू लाइन? हाँ सर, डिपेंड करता है फिस्टुला का कंडीशन क्या है, सर बीपी कितने परसेंट का आ रहा है, मतलब बीपी परसेंट का लो आ रहा है तो फिस्टुला में से थ्री कम आएगा, ब्लड कम आएगा फिस्टुला में, फिस्टुला में ब्लड फ्लो हमें उतना अच्छा देगा, और जितना फिस्टुला कंडीशन कम रहेगी तो उतना फिस्टुला में से ब्लड फ्लो कम देगा। आप बताइए अगर कोई पेशेंट के पास फिस्टुला है तो उसको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए उस बाजू का? सर हम उसको ये बोल रहे हैं कि इस वाले हाथ से कभी कोई भारी सामान ना उठाए, और कभी भी कोई जैसे कोई कोई ज्वेलरी हो गया या कोई थोड़ा हो गया ना करें, और कभी सोते समय ना इस वाले हाथ से करवट लेके ना सोए, तो भारी चीज इस पे ना रखें, नहीं तो पिस्तौल काम करना बंद कर सकता है पेशेंट का। हम उसको ये गाइड करते हैं और एक्सरसाइज करते रहे बहुत से, पिस्तौल का सर्कुलेशन जो बढ़ जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे आना जल्दी हो जाएगा। तो आपको जैसे कई पेशेंट हॉस्पिटल एडमिट होते हैं उनको वहाँ से ब्लड प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए और खून भी नहीं लेना चाहिए, ब्लड सैंपलिंग भी नहीं करनी चाहिए फिस्टुला वाले आम से, वो आपको बताते हैं? हाँ हाँ जी सर जी, अगर तो पेशेंट को थोड़ी बहुत नॉलेज है ना इस बारे में कि यहाँ डॉक्टर पहले बोलते थे कि आपके फिस्टुला ये वाले हाथ मैं बना दिया, किसी भी स्टाफ को बोलना कि कभी भी बीपी ना लें, कभी सैंपल इस वाले हाथ में ना लें, दूसरे वाले हाथ से आप बीपी सैंपल पेशेंट का ले सकते हैं, बट फिस्टुला वाले हाथ से कभी बीपी और सैंपल हमको नहीं लेना चाहिए, खराब होने के चांस होते हैं। जब किसी को किडनी की बीमारी होती है तो ऑब्वियसली वो किडनी के डॉक्टर को देखते हैं, फिर जब अगर डायलिसिस शुरू करते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं। आपको लगता है कि डायटेशन का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें? हाँ सर, डायटेशन का भी एक रोल अहम होता है, क्योंकि डायटेशन ही पेशेंट को बताता है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब लेना है, और कितना मैग्नीशियम कितना कैल्शियम मिलना है, डाइट चार्ट देखा बना के पेशेंट को। जब आपने डिप्लोमा किया आपने सीखा डाइट के बारे में, किडनी डिजीज के बारे में? हाँ जी सर, एक्चुअली हमें ये बताया गया था कि किडनी पेशेंट को फ्रूट जो है ना, फ्रूट यानी पानी थोड़ा कम लेना है, और खट्टी चीजें कम खानी है, और शुगर मतलब की थोड़ा कम लेनी है, ये सब मैं बताया था उस टाइम पे। तो आप क्या बताते हो अपने पेशेंट्स को कि कितना पानी पीना चाहिए? एज पर डॉक्टर एडवाइस हमको बोला जाता है, ये बोलते हैं 24 आवर में अच्छे 1 लीटर पानी पीना टोटल, यानी खाना पीना सब मिला के, चाय सब मिला के टोटल। खाने पीने के लिए कोई पूछता है आपसे कि वो क्या सब्जी खा सकते हैं, क्या फल खा सकते हैं, तो आप क्या बताते हैं? सर फल की बात करते तो फल में पेशेंट को अमरूद और सेब बोलते हैं खाने के लिए, हम लोग अमरूद खाते हैं सेब खाते हैं, बट खट्टी चीज जैसे कि संतरा हो गया और केला हो गया, सर एक्चुअली केले में तो बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, तो खट्टी चीज में केला तो हम पेशेंट बोलते हैं कि आप खाइए बिल्कुल भी मत खाइए, नहीं तो आपका पोटेशियम जो है बढ़ जाएगा, आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी स्टार्ट। जब आप डायलिसिस के लिए जाते हैं तो आप उनका ब्लड पहले लेते हैं और बाद में भी लेते हैं, या फिर सिर्फ एक बार लेते हैं? सर अगर डॉक्टर ने बोल रखा है कि पेशेंट का सैंपल लेना है ना, तो डायलिसिस के से पहले सैंपल हम लोग लेते हैं, उसे डायलिसिस के बाद सैंपल एक लेते हैं, इससे पता चलता है हमें किसी पेशेंट का यूरिया कितना कम हुआ है और कितना कितना कम हुआ है। ठीक है, तो अब आप एक काम कर सकते हैं, आप मशीन के पास जाके थोड़ा समझा सकते हैं डॉक्टर की भाषा में, नहीं पेशेंट की भाषा में, कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। आप समझाइए मशीन के बारे में कि इतनी बड़ी मशीन है कोई भी देख के डर जाए, तो आप बताइए कौन सी चीज क्या करती है? सर पहली बात तो मशीन जो है इसमें सामने स्क्रीन नंबर लगी हुई, इसमें सब कुछ लिखा हुआ पेशेंट का डेटा, यहाँ कितने घंटे यूज लगाना और कितना हमें पानी लगा और कितना टाइम बचे पड़ेंगे, स्क्रीन में सब कुछ आ रहा है। ठीक है सर, कितना टाइम बचे तो हम सकते हैं कि आप सेकंड नंबर देख सकते हैं यूएफ टाइम लेट की सर इतना टाइम आपको अभी डायल से बचा हुआ है, और ये आपको यूएफ हमने जो पानी आपको बढ़ा के आया ना, वो पानी हमने आपके यहाँ पे 3.5 लीटर आज डेट में लगा रखा है, वो पेशेंट का ब्लड फ्लो होता है 250 ब्लड फ्लो, ये घूम रहा है ब्लड पंपर 250 घूम रहा है, वो तो पेशेंट की उस तरफ एक्सेस बनाओ उसको फिसला बोलते हैं, उसमें से दो नीडल लगा रखे हैं, एक आरटी नीडल एक वेंस नीडल, आरटी नीडल से ब्लड जो बाहर आता है वो ब्ड बाहर होकर ये आपके फिल्टर में डायलाइजर ये ऊपर ब्लड ट्यूबिंग लगा रखी हमने, और ब्लड ट्यूबिंग आपका ब्लड पेशेंट का ब्लड जो डायलाइजर के अंदर आया, जो हमने डायलाइजर लगा रखे इसके डायलाइजर के अंदर पूरे ब्लड के फिल्ट्रेशन हो, यूरिया करते हैं सोडियम पोटेशियम जो भी होता है एक्स्ट्रा होता है उसका फिल्टर से बाहर खींच लेता है, उसके बाद से नीचे फिल्टर के ब्लड है साफ के ब्लड दोबारा से वेंस लाइन की है ना। तो ये हेपरिन भी बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों देना होता है, तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है एंटीकोगुलेशन की? सर एंटीकोगुलेशन का रोल ही होता है डायलिसिस में कि एंटीकोगुलेशन ब्लड को थोड़ा सा पतला करता है, इससे तो ब्लड क्लॉट नहीं बनता बिल्कुल। एक तो एंटीकोगुलेशन बहुत जरूरी है, दूसरा आयरन के इंजेक्शन भी बहुत जरूरी है, एक्चुअली वो आयरन के नहीं होते वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए होते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे आप किसी पेशेंट को जिसको किडनी की बीमारी हो या जो डायलिसिस शुरू करना हो? पेशेंट डायलिसिस अगर मिस वर्क कर जाता है तो उसको वोमिटिंग सांस फूलने से दिक्कत आना स्टार्ट होती है पेशेंट को, तो मिस नहीं करना चाहिए डायलिसिस हमेशा? नहीं सर बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए।
खराब चुका हूँ। और आपको लगता है कि डायलिसिस टेक्नीशियन की अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है या फिर बहुत जॉब्स हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि आप देख रहे किडनी की बीमारी जो डे बाय डे पेशेंट से बढ़ती जा रही है, तो सर अगर बीमारी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पेशेंट बढ़ेंगे, और पेशेंट बढ़ेंगे तो स्टाफ को भी थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।